श्रीमन, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, बल्कि पूरे जोर के साथ मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत एक पैसा नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, यह मैं आपको बताता हूँ। इनकी विदेश नीति को आप देख लीजिए। मैं विदेश नीति के बारे में एक मिनट में विश्लेषण कर रहा हूँ। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान चारों पड़ोसी देश हमसे नाराज हैं। हमारी प्रधानमंत्री कहती हैं कि कभी भी दिल्ली पर बम गिर सकता है और सारे लोग मारे जा सकते हैं। अभी रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस बार जो लड़ाई होगी उसमें 20 करोड़ लोग अपाहिज हो जाएंगे और 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे। इस संबंध में मुझे केवल यही कहना है कि प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है और उनके पिताजी की जो विदेश नीति है, उसकी वजह से आज हिंदुस्तान इस खतरे में पड़ गया है। अब प्रधानमंत्री को रोने की ज़रूरत नहीं है। इसका मुकाबला करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। श्रीमन, अब मैं व्यापार के संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूँ। व्यापार में इनका पिछले साल 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि 5000 करोड़ रुपए के माल की सप्लाई नहीं हुई। विदेश नीति में व्यापार का भी बड़ा संबंध रहता है। ख़राब विदेश नीति के कारण ही यह नुकसान देश को उठाना पड़ा और विदेशी मुद्रा देश को नहीं मिली। श्रीमान, मैं बिड़ला साहब के संबंध में एक बात जानना चाहता हूँ। बिड़ला साहब जो कार बनाते हैं उसका दाम पिछले साल 50,000 रुपए था, जो 6 महीने बाद 70,000 हो गया और उसके 3 महीने बाद 90,000 हो गया। इस दाम की बढ़ोतरी कैसे हुई, इसका जवाब सरकार के पास क्या है? 50,000 रुपए की गाड़ी 90,000 में बेचकर देश के लोगों को लूटा जा रहा है। इसी तरह से आप देखिए कि दिल्ली में संसद भवन के निकट की कीमती ज़मीन को दिल्ली के एक सांसद को होटल खोलने के लिए 6 लाख रुपए में बेच दिया गया, जबकि इस ज़मीन की कीमत 6 करोड़ रुपए है। इस ज़मीन को आप अगर नीलाम करते तो इसके 50 करोड़ रुपए सरकार को मिल सकते थे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से यह ज़मीन इतने सस्ते दामों पर दी गई और वह भी अपनी पार्टी के सांसद को। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप क्यों इस तरह की बेईमानी कर रहे हैं? श्रीमान, दिल्ली में कानून और व्यवस्था की क्या हालत है, उसको आप देख ही रहे हैं। कल बात उठी थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाएं। सभी लोगों ने इस बात पर दुख प्रकट किया। जिस देश में प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा नहीं हो सकती है, वहाँ पर जनता की सुरक्षा किस प्रकार होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। क्या यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री जब यात्रा करते हैं तो उनकी यात्रा के बारे में सभी लोगों को बता दिया जाए, ताकि सुरक्षा के लिए पूरी चौकसी बरती जाए? श्रीमान, गांवों के किसानों की जब बात आती है तो कहा जाता है कि उनको उत्पादन के उचित दाम मिलने चाहिए और इसके लिए सरकार किसानों के उत्पादन का मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन किसी मिल का कपड़ा किस भाव पर बिके
या टाटा का ट्रक किस कीमत पर बनता है और किस कीमत पर बिकता है, इसका कोई प्रबंध सरकार के पास नहीं है। व्यापारी जनता को लूट रहे हैं। उपसभापति जी, पिछले एक डेढ़ वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ताकत का मद और भूत सिर पर चढ़कर बोलने लगा है। बड़ी ताकतों की नीति हो गई है कि लड़ाई अपनी ज़मीन पर नहीं बल्कि विकासशील देशों की ज़मीन पर लड़नी चाहिए। गरीब देश शतरंज के खेल के प्यादे हो रहे हैं। इस शीत युद्ध के काले बादल हमारे एशियाई क्षेत्र में आ गए हैं। वास्तविकता यह है कि इस क्षेत्र में तनाव विशेष रूप से बढ़ गया है। अमेरिका ऐसा समझता है कि रूस को चारों तरफ से घेर लेना चाहिए। निक्सन की यही पॉलिसी थी और इसलिए अमेरिका, जापान और चीन का एक गुट बना हुआ था। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ भी कई ऐसे तत्व हैं जो इस नीति का समर्थन करते हैं। इसी नीति के अनुसार पाकिस्तान को अमेरिका ने हथियार बेचने का काम शुरू किया है। आज वस्तुतः स्थिति यह है कि पाकिस्तान की फौजी सरकार को वहाँ की जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, लेकिन हमें यह साफ कर देना चाहिए कि कोई भी देश यदि यह समझता हो कि वह पाकिस्तान को हथियार देकर इस लायक कर देगा कि वह रूस से लड़ने के लिए समर्थ हो जाएगा, तो वह भ्रम में है। मान्यवर, बुनियादी चीज़ यह है कि पाकिस्तान को केवल हथियार दे देने से पाकिस्तान ताकतवर नहीं हो जाएगा, और मुझे भी शंका है कि कहीं ये हथियार पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ही प्रयोग ना हो, जहां की जनता प्रजातांत्रिक आंदोलन चला रही है। इसीलिए हमारी सरकार ने शिमला समझौता करके जो मैत्री की भावना पैदा की, मैं समझता हूं कि उसमें पाकिस्तान का भी भला है। एक तरफ तो पाकिस्तान की यह स्थिति है और दूसरी ओर चीन, जिसने कि हमारी हजारों वर्ग मील भूमि वर्षों से दबाई हुई है, वह बॉर्डर पर पक्की सड़क बना रहा है। चीन भी पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, इसलिए चीन से जो भी हमारी सरकार बात करे, उसमें सोच समझ कर इस चीज़ को ध्यान में रखकर बात करनी चाहिए। मान्यवर, बड़ी ताकतों को तो हथियारों की लड़ाई से फ़ायदा होता है। उनके हथियार बिकते हैं और उनका प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनका जो पैसा विकास के कामों में लगना चाहिए, वह हथियार खरीदने में चला जाता है। उससे हमारी इकोनॉमी ख़राब होती है। इसलिए हमें बराबर शांति के प्रयासों में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसके साथ ही साथ देश के हित को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। उनको इस बात को समझाना चाहिए कि लड़ाई से किसी भी देश का हित नहीं होता है, शांति प्रयासों से ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। मान्यवर, शांति प्रयासों के साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। हमको अपनी मारक शक्ति को भी बढ़ाना चाहिए। जिन देशों ने हमारा साथ दिया है, जो हमारे मित्र रहे हैं, हम उनके आभारी हैं, और उनकी जो मित्रता है उसको हमें और भी बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमको केवल बाहरी सहायता पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि विकासशील देशों में नई तकनीकें आएं,
जो भी प्रगति तकनीकी क्षेत्रों में हुई है उनका पूरा लाभ गरीब देशों को मिलना चाहिए। इसके लिए विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय करने के लिए भारत सरकार पहल करे।